आज हम बना रहे हैं ब्रेड बॉल्स, जिसके लिए मैंने 7-8 पीस ब्रेड के लिए हैं और इसकी साइड्स को काट दिए। इसकी साइड्स को काटने के बाद जो बचता है उसको फेंके नहीं, उसको मिक्सी में पीस लें तो ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, जो हमारी ग्रेवी में भी यूज़ हो सकते हैं या किसी रेसिपी में हम यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन का हम, मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। अजवाइन का सबसे पहले छौंका देंगे, इसके बाद मसाले, चाट मसाला, धनिया पाउडर, हींग, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, हरी मिर्च, अदरक और कच्ची हल्दी। दूध है जिसमें हम ब्रेड को डिप करके उसके अंदर अपना ये सारा मसाला जो हम बनाएंगे वो भरेंगे। मटर हैं जिनको मैंने गर्म पानी में से निकाल दिए, ये बिल्कुल थोड़े हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। आलूओं को मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर दिया। ये सारी प्रेपरेशन हो गई। अब हम सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला ठंडा होने के बाद फिर हम उसको ब्रेड में भरेंगे। सरसों का तेल गर्म हो गया, सबसे पहले इसमें अजवाइन का छौंका दे दें, क्योंकि हम पकोड़े और कटलेट जो भी बनाते हैं तली हुई चीज़, उसमें अजवाइन का छौंका देने से वो डाइजेस्टिव हो जाती है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च और अदरक इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसको हल्का सा सेक लें, फिर इसके बाद हम इसमें आलू और मटर डालेंगे। अब इसमें मसाले डाल दें, इनको मिक्स कर लें अच्छे से। अब इसमें मटर और आलू, इनको थोड़ा सा लो फ्लेम पर सेक लें। मसाले ने पैन छोड़ दिए, मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे और थोड़ा सा मसाला ठंडा हो जाए, फिर हम इसको फिलिंग बनाएंगे। मसाला ठंडा हो गया, सबसे पहले इसकी छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लें, जिससे हमें फिलिंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बॉल्स तैयार हो गए। अब एक ब्रेड स्लाइस लें, इसको दूध के अंदर हल्का सा डिप कर दें। डिप करने के बाद इसको ऐसे हाथ से स्क्वीज कर दें, निचोड़ दें। अब इसके अंदर ये जो हमने लड्डू बनाकर रखा है इसको भर दें और इसको चारों तरफ से ऐसे बंद कर दें। ब्रेड बॉल्स बनकर तैयार हैं, अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। आप इनको कभी बना कर देखें ब्रेकफास्ट के अंदर, या कभी खाना बनाने का ना मन हो तब आप इसको बना लें, तो ये कंप्लीट फूड बन जाता है और मज़ा भी आ जाता है। अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। तेल गर्म हो गया, अब मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। इनको जब भी आप डीप फ्राई करें तो ज़्यादा तेज़ आँच पर मत करें, लो टू मीडियम फ्लेम पर करें, तभी ये बहुत अच्छे कुरकुरे बनेंगे। अब जब भी इनको डीप फ्राई करें तो एक थोड़ा स्टेबल हो जाए तो उसके बाद ही दूसरा डालें, नहीं तो फिर इनके बिखरने का भी डर रहता है। एक एक धीरे धीरे करके डालें आराम आराम से। हमारे शानदार क्रिस्पी ब्रेड बॉल्स बनकर तैयार हैं। आप भी इनको बनाएं और ये बहुत अच्छे लगते हैं।
आप इसको एक बार बनाओगे तो आप इनको बार बार बनाओगे, क्योंकि ये खाने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। बस थोड़ी सी पेशेंस के साथ बनाएं, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब ऐसे ही सारे ब्रेड बॉल्स बना लूंगी।